ग्रेटर नोएडा में आज पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कोलॉजी का भी शुभारंभ करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसी के साथ आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लू लाइन मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे और नोएडा सिटी सेंटर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसी के साथ सरकार के तमाम मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अलग अलग जगह पे पोस्टर लगा दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर यहां पर लगा दिए गए हैं। इसी के साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि आज ग्रेटर नोएडा दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी और कई सारी जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे। आज बड़ी सौगातें देने वाले हैं ग्रेटर नोएडा वासियों को। बड़ी खबर है ये। और आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लू लाइन मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कोलॉजी का भी शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ नोएडा सिटी सेंटर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर आप देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर यहां लगा रखे हैं। और आज का दिन बेहद खास, बड़ी सौगातें आज मिलने वाली हैं ग्रेटर नोएडा वासियों को और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी का ग्रेटर नोएडा दौरा है और कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता ललित नारायण कानपाल। ललित, आज का दिन बेहद खास है, कई बड़ी सौगातें आज मिलने वाली है ग्रेटर नोएडा वासियों को। जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में थे और गाजियाबाद से उन्होंने वहां पर ट्रेन का उद्घाटन किया और साथ ही हिंडन एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। जी, उसके बाद आज प्रधानमंत्री ग्रेटर नोएडा में है जहाँ पर वो दो प्रमुख चीजों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जी, जिसमें की एक है वहाँ पर जो जेवर एयरपोर्ट बनना है उसके शिलान्यास का कार्यक्रम है, यानी कि अब जो जेवर एयरपोर्ट बनना है जी। उस एयरपोर्ट को पूरी तरह से जो काम उस पर होना है उसकी शुरुआत आज से हो जाएगी जी। और ये पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित परियोजना थी जी। जिसका काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आज जो है अब पूरी होने जा रही है और इसका बहुत जल्दी जो है काम भी शुरू हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो है दीनदयाल उपाध्याय स्मारक बनाया गया है ग्रेटर नोएडा में, उसका भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं। और साथ ही जो नोएडा में जो मेट्रो बनी है उसका भी उद्घाटन होगा। तो कुल मिलाकर जो है आज के दिन में नोएडा वालों को बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। जी, आम लोगों के लिए किस तरह से अब सुविधा हो जाएगी और कितनी खास उनके लिए ये सौगातें हैं? देखिए, अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो एयरपोर्ट जो है काफी लंबे समय से बहुप्रतीक्षित है और इस एयरपोर्ट के बनने से सिर्फ केवल एनसीआर के लोगों को ही नहीं बल्कि जो दूर दराज के लोग थे और जिन्हें अब तक पूरा दिल्ली पार करके एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता था, मसलन की वेस्टर्न यूपी हो या फिर हरियाणा के लोग हों जिन्हें पूरा एयरपोर्ट पूरी दिल्ली पार करनी पड़ती थी जी। अब हरियाणा वालों के लिए अगर देखा जाए, गुड़गांव वालों के लिए तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नजदीक है, लेकिन जो इधर समूचा पूरा वेस्टर्न यूपी है और इसके आसपास के इलाके हैं उनके लिए जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा, जिससे कि काफी काफी विकास भी होगा उस इलाके में और जल्दी चीजें मिल पाएंगी। साथ ही जो एक सबसे बड़ी बात ये भी कही जा रही थी कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का, उसमें काफी ज्यादा जो है एक तरह से लोड है एयर फ्लाइट्स का, तो उस लोड को भी कम करने में इस एयरपोर्ट के जरिए मदद मिलेगी। काफी सारी इंटरनेशनल फ्लाइट जो है इस एयरपोर्ट से रवाना होंगी और जिसके बाद जो है
इस इलाके का भी विकास होगा और यहाँ की जो लोग हैं उनके लिए भी ये कई सारे रोजगार के अवसर लेकर आएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए।